इसमें मैंने रख लिया है। एक अंदर सो चुका है, दूसरा बाहर आ चुका है। व्लॉग एंड ये व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। जर्नी मैं इतनी नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर। वो क्या है तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हो एवरीथिंग डैजलर और ये हो रहा है हमारा बहुत टाइम बाद एक व्लॉग हो रहा है। और ये व्लॉग एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग होगा अगर आप पेट ओनर हो, डॉग्स या कैट्स के अलावा अगर आपके पास कोई पेट है या कि यानी कि हैमस्टर है या रैबिट्स है या ऐसा कुछ है, तो ये इम्पॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि रैबिट भी आई थिंक पेट्स अलाउड करती है इंडियन रेलवेज, लेकिन हैमस्टर्स हो गए और जो दूसरे पेट्स होते हैं जो वाइल्ड पेट्स की कैटेगरी में आते हैं वो ले जाना अलाउड नहीं होता। मतलब अलाउड होता है, आप लेके जा सकते हो, अब वो अपने आपके रिस्क पे होता है, पार्सल बुक नहीं होता उसका। सो इसकी मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ, दो मिनट दो। सो गाइस, मेजर मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि आई हैव टू पेट्स हैमस्टर्स जो कि है मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं इनको अकेला कहीं छोड़ के नहीं जाता कभी भी, अंटिल अनलेस दिन में सोते हैं। सो बेसिकली अभी वो कोको जो है वो सो रहा है, अदरवाइज मैं उसको भी दिखाता आप लोगों को। सो ये जग रहा है इस जो ये बड़ा वाला है। सो राइट नाउ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई बोरीवली से अपने गांव मंदसौर। एंड इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेजर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ये हैमस्टर जो है हमारे इंडिया में इतने पॉपुलर एनिमल नहीं है, पॉपुलर पेट्स की कैटेगरी में नहीं आते इतने, बिकॉज अभी 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 ही स्टार्ट हुआ है हैमस्टर्स का एज अ पेट लोगों को रखना। एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने देखी है, बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं खाना या बेडिंग हो गया, हैमस्टर्स का इतना अवेलेबल नहीं है हमारे इंडिया में। मैंने मोस्टली मुंबई में काफ़ी जगह पे सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे जैसे चाहिए, मोस्टली नॉर्मली बेडिंग मिल जाती है, जो बेडिंग आती है इन लोगों की वो मिल जाती है, अदरवाइज खाना इनका इतना इजीली भी नहीं मिल पाता। व्हील्स हो गए, अगर आपको व्हील लेना है तो अमेजोन पे व्हील मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे इतने पॉपुलर पेट्स नहीं है ये, लेकिन इनकी इनकी जो चीज़ें और इनको जो जैसे कि एक मैंने मोस्टली मेजरली एक मैंने चीज़ सर्च करी थी यूट्यूब पे और पूरे गूगल पे भी मैंने सर्च मारा कि हाउ कैन आई ट्रैवल विद देम इन इंडियन रेलवेज। तो मेरे को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो मिली वो डॉग्स कैट्स वगैरह रैबिट्स वगैरह की मिली कि आपको पार्सल काउंटर जा कर के बुकिंग करवानी पड़ती है एंड पार्सल काउंटर पे जाकर के बुकिंग करवानी पड़ती है उन लोगों की, और वजन के हिसाब से उनका बुकिंग होता है। आई थिंक 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जो भी होगा इन्फॉर्मेशन वो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दूंगा, जो भी मेरे को आर्टिकल्स मिले हैं पढ़ने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सो मैंने वहाँ पे जब मैं टिकट बुक करवा रहा था अपने ट्रैवल करने की, तो मैंने टिकट काउंटर पे स्पेशली मैं इसीलिए गया, यूजुअली मैं नॉर्मली तो काउंटर टिकट नहीं लेता हूँ, बट मैं स्पेशली वहाँ पे गया था काउंटर टिकट लेने के लिए ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि मैं इनके साथ कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मुझे उन्होंने बताया कि बोरीवली जो है, मैं मलाड में रहता हूँ, तो बोरीवली में जो पार्सल काउंटर है प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जाकर के आप पता कर लो। सो मैं वहाँ गया था, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि हैमस्टर्स और कुछ कई पेट्स जो भी हैं जो इंडियन रेलवेज की कैटेगरी में उन्होंने पेट्स मतलब जैसे कि उन्होंने मैंने जितना पढ़ा था उस हिसाब से डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, रैबिट्स हो गए, हॉर्स वगैरह जो बड़े एनिमल्स हैं उनका ही सिर्फ डाला हुआ है और बाकी दूसरे एनिमल्स जैसे बर्ड्स वगैरह भी उसमें डाले हुए हैं, लेकिन ये जैसे हैमस्टर हो गए ये लोग अभी तक प्रॉपरली पेट्स की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब इनको अभी तक पेट गवर्नमेंट उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि एज अ पेट अभी गवर्नमेंट ने इनको वो क्लियर नहीं कराया कि आप पेट एज अ पेट रख सकते हो इनको, तो उन्होंने बताया कि ये अभी वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं तो इनको ले जाने के लिए बुकिंग नहीं करवा सकते आप लोग, जैसे कि अगर आपको डॉग्स या कैट्स ले जाने हैं तो उसके लिए पार्सल ऑफिस जाकर के बुकिंग करवानी पड़ती है, जो कि अराउंड जितना भी अमाउंट होता है वो
केजीज के हिसाब से डॉक्टर और पूरे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब लगते हैं। इनको तो जिस बेसिकली इनको कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बिकॉज यार ये एनिमल्स को जरूरत ही नहीं पड़ती, हैमस्टर्स को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती नहीं है, वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। मतलब दिन भर सोते रहते हैं, रात को जगते हैं, एंड खुद को इतना क्लीन रखते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये वाइल्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप लेके जा सकते हो अपने रिस्क पे, अपने बस उनका। उन्होंने मेरे को एक चीज क्लियर बोली थी कि आपको अगर इनके साथ ट्रैवल करना है तो आपको, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सेटअप किया इन लोगों के लिए। सो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इनको लेके जाओ अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके को पैसेंजर्स जो ट्रेन में है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, थर्ड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, कोई भी क्लास हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोर पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कोई कंप्लेन नहीं करते, तब तक आप लोग इनको ट्रैवल करवा सकते हो। और ये तो क्या है, आवाज़ भी नहीं करते हैं, और मतलब दिन में तो बिल्कुल सोते रहते हैं। रात के टाइम, हाँ दे आर एक्टिव रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे ट्राई करो कि अवॉइड करो थोड़ा ट्रैवलिंग जितना पॉसिबल हो पाए रात के टाइम पे। अभी भी मैं सुबह 10 अभी बज रही है, 8 बजने वाली है सुबह की, एंड मैं अभी ट्रैवल करूँगा। सो मैंने स्पेशली इसीलिए मैंने दिन की ट्रेन बुक करी, बिकॉज मेरे को चाहिए था कि दिन में ये लोग सोते रहे ताकि मैं इजीली ट्रैवल कर पाऊँ। एंड मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या सेटअप किया है। तो कोशिश ये करो कि इनका खाने का सामान जो भी है, जो भी आप खाना इनके लिए लेके जाना चाहते हो, वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके रख लो पहले से ही। एंड एक मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या प्रिपेयर किया ना, कि मेरे दो जो उठ चुका है। सो मैंने क्या किया, ये मैंने ऑलरेडी जब मैं लेके आया था पेट्स मेरी फ्रेंड के यहाँ से, तो मैंने ये बॉक्स ले लिया था। सो इस बॉक्स में मैंने इनका अभी थोड़ा सा बेडिंग डाल दिया, टिश्यू पेपर से रख दिया, मैं 2-3 टिश्यू पेपर और रख दूंगा। खाने का मैंने अलग से ले लिया, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने इनका जो मैं हाउस लाया था वो मैंने इनके अंदर रखा है, ताकि एक बंदा इधर सो जाएगा एक बाहर सो जाएगा। हेलो कोको से हेलो। हाँ तो अभी ये उठा हुआ है। वो कॉर्न में यूजुअली कॉर्न देता हूँ उनको, खाने को सीड्स आते हैं सनफ्लावर सीड्स, वो मैं ला के दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बॉक्स में मैंने थोड़ा सा सनफ्लावर सीड्स रखे हैं इनके ट्रैवलिंग के लिए भी, ताकि और प्लस मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ रुकने वाला हूँ, तो वहाँ पे मेरे इतने सीड्स काफ़ी हो जाएंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा सीड्स नहीं देना चाहिए हैमस्टर्स को ये, क्योंकि ये फैटी होते हैं थोड़े से। एंड इसमें मैंने कॉर्न रखे हैं, फ्रेश कॉर्न से सारे। सो इसमें एंड मैंने पानी यूजुअली ये पीते नहीं है बिल्कुल भी, तो पानी नहीं पीते, इसके लिए मैंने ककड़ी कट करके रख ली है ऑलरेडी। तो मैं थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, गर्मी का इशू नहीं होगा। सो ककड़ी मैंने कट करके रख ली है, कॉर्न मैंने रख लिए हैं, और साथ में सीड्स रख लिए। ये मेजर चीज़ है जो खाते हैं और मैं उनको खिलाता हूँ। इसके अलावा अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं ये। और ये देखो अभी इसकी धमाल पट्टी चालू हो चुकी है, घर के साथ पूरा खिड़का खिलवाड़ चालू है। ओके सो बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, काजू खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, खाने में सब कुछ खाते हैं। नींबू अलाउड नहीं होता देना, नींबू नहीं खा देना चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए, पनीर नहीं देना चाहिए। एंड हाँ, अगर आप नॉनवेज, आपकी फैमिली में नॉनवेज अलाउड होता है, तो देखो वो फोकस हो चुका है। तो सो अगर आपकी फैमिली में नॉनवेज अगर अलाउड है, तो आप इनको अंडे भी दे सकते हो, चिकन भी दे सकते हो खाने के लिए, प्रोटीन उसमें काफ़ी होता है इन लोगों के लिए। लेकिन मैं मोस्टली वेज ही देता हूँ इनको, क्योंकि मैं नहीं खाता, मेरी फैमिली में भी आई एम प्योर वेजिटेरियन। सो इसके लिए ये जो सेटअप है मैं अभी बता रहा हूँ आपको लेके जाने का। मेरा बैग भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैं अभी 8:30 अराउंड निकलूँगा। अभी देखो बज रहे हैं 8 बज रहे हैं करेक्ट, तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। एंड दिस इज़ द मेजर इन्फॉर्मेशन जो कि है, और ट्रैवलिंग कैसे रहेगी वो मैं आपको आगे की इस व्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन ये जो है मेजर इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे अपने पेट्स के साथ में, स्पेशली हैमस्टर्स या कोई छोटे पेट्स जो कि मतलब नॉर्मली कैटेगरी में नहीं रखे गए, पेट्स की कैटेगरी में नहीं रखे गए अभी तक, उनकी लिए ये वीडियो, उन पेट ऑनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ये। एंड मैंने काफ़ी वीडियो सर्च मारे यूट्यूब पे, गूगल पे मैंने सर्च मारा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हैमस्टर्स के लिए मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद क्यों नहीं बना देता हूँ। इसके लिए मैं इन लोगों को ट्रैवल भी करवा रहा हूँ साथ में, और राखी थी कल और मेरे को टिकट्स नहीं मिला, इसलिए मैं नेक्स्ट डे, आज राखी का नेक्स्ट डे, मैं आज जा रहा हूँ। एंड बाकी सबको, जितने भी लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी राखी, और मैं जा रहा हूँ अभी। सो ट्रैवलिंग कैसी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सेटअप बता दिया मैं कैसे लेके जा रहा हूँ और क्या क्या लेके जा रहा हूँ। और हाँ, इसके अलावा मेरे पास फ्रूट्स हैं, मेरे पास एप्पल है, एप्पल भी ये लोग खाते हैं, लेकिन एप्पल में स्वीट होता है, तो स्वीट इनको थोड़ा कम देना चाहिए, तो कम क्वांटिटी में, एक वीक में एक बार एक एप्पल दे दिया या बनाने दे दिया, वो सब रहता है। वो तो वो एक अलग भी वीडियो रहेगा पूरा, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा कि हैमस्टर्स को क्या आप दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में हमारे
चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं है हमसे उसको लेके, तो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जर्नी शुरू करते हैं, थोड़ी देर में मैं निकलूंगा 8:30 यहाँ से और बताता हूँ कैसे जाने वाला हूँ मैं। कैन सी इसमें मैंने रख लिया है, एक अंदर सो चुका है, दूसरा बाहर आ चुका है, मतलब सो जाएगा ये भी इधर ही अभी थोड़ी देर में, अभी बब्बू सो जाएगा अंदर इधर ही सो जाएगा। सो ऐसे ही मैं इनको लेके जा रहा हूँ, एक को शेड मिल जाएगा और एक इसे अंदर थोड़ा घुस के सो जाएगा थोड़ी देर में बस अभी। और इसको मैं पैसे पैक कर दूंगा। इसमें वेंटिलेटेड है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वेंटिलेटेड है, हवा प्रॉपर जानी चाहिए अगर आप कैरी कर रहे हो पेट्स को। तो ये पैक कर दिया, देन वो थोड़ी देर 4-5 मिनट वो थोड़ा ढूंढेंगे कि बाहर कैसे निकले, अपनी जगह पे जाए। बिकॉज़ क्या होता है ना, हैमस्टर्स जो होते हैं वो मतलब एक अपनी जगह टेरिटरी वाले होते हैं, तो उसमें क्या है कि उनको अपनी अपनी जगह पता होती है कि वहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे सोता हूँ। तो अभी ये इनके लिए नया है, बट मैंने इसीलिए जानबूझ के ओल्ड बेडिंग इसके अंदर डाला ताकि उनकी जो स्मेल है हैमस्टर्स की, ये लगे कि हाँ ये हमारा ही है, कुछ छोटा है थोड़ा, इसीलिए मैंने उनका आइटम रखा ताकि कि उनको ये फील हो कि हम ये हमारा ही टेरिटरी है और हम इसमें आराम से सो सकते हैं। तो 5 मिनट लगेगा, देखो ये ऑलरेडी इधर उधर देख रहा है, एंड देखो एक तो ऑलरेडी अंदर घुस गया है टेरिटरी अपने इसके अंदर घर के अंदर, वो भी दूसरा भी सो जाएगा। और अभी मैं इसको वैसे खुलता नहीं है, बट मैं सेफ्टी के लिए एक टेप यहाँ पे लगा दूंगा ताकि खुले ना बिल्कुल भी, एंड जब भी मेरे को खोलना होगा मैं आराम से खोल सकता हूँ। बट ये ऐसे ही मैं इनको कैरी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसके आगे का बताता हूँ जैसे मैं घर से निकलता हूँ। फिर देखो ये जैसे जो 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 है ऑलरेडी सो गया, कोको अभी सो के जग रहा था इसलिए, और वो उसको नींद आ रही है, वो सो जाएगा अभी बिंदास, अभी उसको टेंशन नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि अभी जगा हुआ था, इसके लिए ये थोड़ी देर 5-6 मिनट इसको ऑब्जर्व करेगा जो जो को मैंने ऑलरेडी, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इसको तो जो जो ऑलरेडी जगा हुआ था तो मैंने उसको इसके अंदर छोड़ा था थोड़ी देर के लिए ताकि उसको वो स्मेल रहे कि भाई वो अंदर सो सकता है। कोको को मैंने इतनी देर नहीं छोड़ा बिकॉज वो ऑलरेडी डब्बे के अंदर सो रहा था, तो इसके लिए मैंने छोड़ा नहीं। बट ये इसके अंदर आराम से रहेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इधर उधर घूम के ऑब्जर्व करेगा, देन अपने आप जाकर के चुपचाप अपनी जगह पे सो जाएगा। सो इतना कोई इशू नहीं है। हाँ, पुरानी बेडिंग रखोगे तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। चलो अभी मैं लगा देता हूँ इसको, एंड चलो सब कुछ पैक हो गया है, एंड जो जो इन कोको भी इसमें है विल बी लीविंग। सब प्रॉपर चेक कर लेते हैं, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ बस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं घर से निकल गया था, मैंने रिक्शा करा बिकॉज बोरीवली वेस्ट पास में ही पड़ता है, मुझे हार्डली 15 मिनट लगता है जाने के लिए, तो मैंने रिक्शा कर लिया था। एंड रिक्शा वाला थोड़ा सा रूड था मेरे को, बहुत मतलब बिहेवियर उसका पसंद नहीं आया। मैंने उबर से ही रिक्शा बुक किया था, एंड मैं बोरीवली स्टेशन पहुँचा, मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था, मेरी ट्रेन में टाइम था आने में, तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन आएगी, देन उसके बाद मैं वेट करूँगा। सो मुझे पता चला कि जिस प्लेटफॉर्म पैरिंग में आ गया वहाँ पे वापी पैसेंजर क्रॉस कर रही थी, मैंने इसे टाइम पास करने के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। एंड इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली थी। सो हम वेट कर रहे थे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन, ये देखो आपको दूर से नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर का, जो भी इंजन का नाम है मुझे नहीं पता बिकॉज की इंफॉर्मेशन मैं रखता नहीं हूँ, बट ये वाला इंजन था। एंड देन हमारी ट्रेन आ चुकी थी, पूरी रेड कलर के नए वाले कोचेस थे, सो हम इसमें बोर्ड कर दिए। एंड हाँ, ये मैं ट्रेन में बोर्ड करने के तुरंत बाद मैंने इनको खाना दे दिया, जो भी मैंने आपको बताया था क्या क्या खाने में ले जा रहा हूँ मैं, वो मैंने खाली बॉक्स लिया था जो अपने सब्जी के आता है वो सब, तो वो मैंने उसमें रख दिया। एंड देन प्रॉपरली सेट कर दिया ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, और वो मेरे बैग साइड में रख दिया ताकि किसी और को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। एंड जैसा कि आपने देखा मैंने कटोरी में जो है बच्चों के लिए खाना रख दिया डब्बे में, तो वहाँ पे सेफली पैक करके रख दिया है। ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं थोड़ी देर बाद वापस देखूँगा, कुछ दिन में भी सो जाएंगे खाना खाने के बाद, और मैं आपको क्लिप्स दिखाता रहूँगा। एंड ये वॉशरूम में ब्लॉक कर रहा हूँ बिकॉज पब्लिक करने में थोड़ी सी आप देख सकते हो ये लोग खाना खा रहे हैं अंदर बैठ के, मस्त चिल मार रहे हैं, जैसा कि जो जो खा रहा है कोको ने खाया है ऑलरेडी और घूम रहा है।
सो ऐसे ही बस बिंदास इनको ट्रेन में ट्रैवल करवा सकते हो आप। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि ये ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैवलिंग नहीं करें, बिकॉज क्या है ना, इनको पसंद नहीं होता, दे आर नॉट, दे डोंट लाइक ट्रैवलिंग या ज़्यादा नॉइसेस इनको पसंद नहीं होती है। सो ट्राई करें कि उसको अवॉइड करें। एंड इसके बाद में मैं आप लोगों को स्लीपर क्लास की भी फुटेज दिखाने वाला हूँ कि मैं स्लीपर में आया था रिटर्न में, तो नाइट का टाइम था, तो वो उसमें मेरे को मतलब गर्मी वाला का इशू नहीं था, लेकिन वो भी मैं आपको जर्नी दिखा दूंगा, बिकॉज वो एक आरएसी सीट मिली थी मुझे डबल शेयरिंग में, देन कैसा मेरा ट्रैवलिंग रहा वो भी मैं आपको इसी क्लिप इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना, पूरा वीडियो देखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे लिए, हमारे जैसे जिनके पास भी हैमस्टर्स हैं या जिनके पास भी रैट्स या छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो अभी भी वाइल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे किन्नर में से पैसे मांगने आया था, चलो। एंड एज यू कैन सी, देखो चिल मार रहे हैं अपना, बिल्कुल अंदर बैठ गए, और एक तो सो रहा है, दूसरा भी सो रहा है, खा रहा है, सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एंड पहुँचे सूरत स्टेशन, यहाँ पे हमने एक समोसा लिया, चाय ली और वड़ा पाव लिया। वड़ा पाव मेरे को काफ़ी, मतलब स्टेशन का वड़ा पाव मेरे को ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में, सो मैंने लिया, मुझे पसंद आया। एंड वैसे जर्नी चालू हो गई, एंड देखते जाओ। ये जो फुटेज आप देख पा रहे हो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेज कॉरिडोर जो कि बन रहा है दिल्ली से शायद मुंबई के बीच में। इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है, मतलब कुछ स्टेशन तो बन भी गए हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसमें। आई थिंक मैंने सुना है कि इसके इसमें ना पीछे जो वो होते हैं पार्सल, वो एक के ऊपर एक रख के ऐसे कुछ लेके जाते हैं कंटेनर्स, तो जैसा होगा वो आप आगे इन फ्यूचर पता चलेगा आपको कैसी रहेगा, बट ये अच्छा खासा प्रोग्रेशन चल रहा था इसका काम का यहाँ पे। मेरे बच्चे जो अंदर हैं खाने के लिए दे दिया मैंने उनको, और वो मस्त सो रहे हैं। एंड बाय द वे, क्यों मैं ट्रेन के वेंडर्स से खाना लेना अवॉइड करता हूँ, बिकॉज देख लो कितनी गंदगी में उन्होंने पानी की बोतल रख रखी थी, सो मुझे इसलिए थोड़ा सा पसंद नहीं अंदर ट्रेन के जो वेंडर्स होते हैं उनसे खाना लेना। ट्रेन अनलेस उसमें पेंट्री हो, बट मोस्टली इस ट्रेन में पेंट्री नहीं थी, तो मैंने खाना नहीं लिया। एंड देन मेरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, एंड मैं वडोदरा स्टेशन उतरा। अभी तक तो जर्नी बिल्कुल एकदम अच्छी चल रही है, एंड दोनों मेरे बच्चे जो है, मतलब दोनों हैमस्टर्स जो है आराम से सो रहे हैं, जोजो और गोको। एंड ब्लॉग मैं सिर्फ ऐसे ही कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पब्लिक में करने में थोड़ा सा वो रहता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये जर्नी वन वे ही करके कंप्लीट कर दूँ या मैं रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ सिर्फ थर्ड एसी में, रिटर्न मेरा स्लीपर कोच होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं स्लीपर भी कंटिन्यू करके आपको दोनों वे की जर्नी दिखा दूँ, तो कैसा आपको लगेगा वो पता चल जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, बट अभी तो दोनों मस्त सो रहे हैं, खाने पीने का खाते हैं और एकदम चुपचाप हो जाते हैं, तो जर्नी में ऐसे है ना कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सबको बढ़िया है। और इसके अलावा बाकी की डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, मैं भी पहुँचूँगा रतलाम, वडोदरा से निकल चुका हूँ, गोधरा आई थिंक क्रॉस हो चुका है, उसके अलावा मैं रतलाम पहुँचूँगा 8:10 के लाभ रहा हूँ। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, सो मिलते हैं। उधर से देखो बच्चे हाय कर रहे थे, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे थे। सो बेसिकली क्या होता है ना, वडोदरा से बाद में रतलाम का डिस्टेंस इतना है कि टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, डिस्टेंस कम है, तो ओवर टाइम चलती है ट्रेन। सो अभी कोई तो स्टेशन पे रोक के रखा है, जो ओवर टाइम चलने लगती है, डेली चल रही थी लेकिन कवर अप हो जाता है रतलाम आते थे, तो अब थोड़ा स्लो रुकते रुकते जाएगी ताकि जो टाइम है वो टाइम पे पहुँचे, 8:10 का टाइम। देखते हैं तो वहाँ पर देखो क्या करते हैं, लोग उतर चुके हैं, फोटो वोटो ले रहे हैं। आई थिंक सिग्नल हो गया, इंजन ने हॉन्ग कर दिया, सिग्नल हो गया, निकलेगी अभी ट्रेन अपनी। मस्त वाला सनसेट हो रहा है, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग।
जर्नी, और मेरे दोनों बच्चे तो अंदर सो रहे हैं अभी आराम से। मैंने ना सीट साइड अपर बुक करी थी ताकि मैं आराम से ऊपर लेटे लेटे जाऊँ मजे से। बेस्ट सीट मैं कंसिडर करता हूँ साइड अपर को, साइड लोअर भी अच्छी है लेकिन दिन के टाइम के लिए अच्छी नहीं है। एंड रतलाम उतरने के बाद मैंने यहाँ से सिर्फ एक कप चाय ली, बिकॉज मंदसौर इसके बाद वाला स्टेशन है और मेरे पापा का फ़ोन आ गया था कि हम खाने में आलू के पराठे बना रहे हैं, तो मैं रतलाम में खाने को कुछ लिया नहीं मुझे, बल्कि जबकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी लेकिन मैंने कुछ खाने को लिया और मैं मंदसौर पहुँचने ही वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो मैं मंदसौर पहुँच गया हूँ, बच्चे आराम से सो रहे थे अंदर एंड यहाँ पर मुझे मेरे पापा लेने आए थे ट्रेन स्टेशन पर। मैं चाहता हूँ और आपसे मिलता हूँ आई थिंक नेक्स्ट जर्नी जो मैं मंदसौर से बोरीवली करूँगा उसमें, तब तक थोड़े क्लिप्स देख लो मेरे बच्चों के। अब बड़ा वाला व्हील कैसा लग रहा है? बाय द वे ये वाला व्हील मेरे पापा ने बनाया है, मैंने उनसे बोल दिया था कि बना के रखना बिकॉज इनको चाहिए होता है। सो व्हील तो घूम ही रहे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि मैं तुमको वो भी क्लिप दिखाता हूं। एज यू कैन सी फाइनली इनको ये व्हील पसंद आ गया, बिकॉज देख रहे हो आप बड़ा व्हील रिकमेंडेड होता है। बाय द वे जो सीरियन हैमस्टर जो होते हैं उनको कम से कम 10 से 12 इंच का व्हील देना चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी है वो पीछे से कमर उनकी ज़्यादा बैंड ना हो, इसके लिए मैं ये वाला व्हील बनवाया उनसे एंड ये मैं लेके आया हूँ साथ में वापस। Stay free. And now time to go in Mumbai. ये दो दिन बाद का है, आफ्टर इसके बीच में मैं इफेक्ट डाल दूंगा वो 2 days लेटर वगैरह। सो ये तो अभी पता नहीं कौन सी ट्रेन जा रही थी, मैं भूल गया, इंदौर शायद, इंदौर दौंद जयपुर के आसपास कहीं जाती है ट्रेन, पता नहीं। सो ये वो ट्रेन थी, इसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली है, मेरे पापा खड़े थे वो बैग लेके, ट्रेन आ चुकी है। इसमें हमारा सीट जो था वो स्लीपर का था लेकिन RAC था, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को डबल शेयरिंग में सीट मिल गया, तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के सेटअप कर दिया था, बट वो आपको ट्रेन में देखने को पता चल जाएगा जिससे मैं अंदर बोर्ड करता हूँ। सो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ एंड ये मेरे बच्चे इसके अंदर हैं, क्या कर रहे हैं देखना पड़ेगा, नाइट का टाइम है तो लेट्स, नाइट का टाइम है तो शायद धमाल पट्टी करेंगे, लेट्स ही देखते हैं। एंड ये जर्नी भी मैं उसी वीडियो में एड करने वाला हूँ, मतलब एक दिन की जर्नी हो जाएगी, एक रात की जर्नी हो जाएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा कैसे करना है और ज़्यादा वॉइस ओवर कर दूंगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि व्हाट दीज गाइस आर डूइंग। नाइट का टाइम है ट्रैवलिंग का, तो लेट्स सी। एंड मेरा जो टिकट है वो RAC में क्लियर हुआ, तो एटलीस्ट अभी मुझे एक सीट मिल रही है। देखो नाइट का टाइम है बट जैसे कि वो सो रहे हैं ऑलरेडी, जैसा कि तुम देख पा रहे हो द स्लीपिंग, ठीक है, सो कैसे गए आई डोंट नो, सोते नहीं है यूजुअली नाइट में बट दे आर स्लीपिंग। और खाना सारा गिरा दिया, देखो तो मैं इनको इसमें रख देता हूँ ताकि ये खा लें। अभी खाना तो इनका ऐसे ही रहेगा इसमें ट्रेन में, जो जो कोको इधर है, जो जो सो चुका है ऑलरेडी बब्बू, थोड़ा सा बोर होएंगे क्योंकि नाइट के टाइम पे ये लोग जगते हैं, तो अभी ये बोर होने वाले हैं, बट वी हैव टू मैनेज। मैं चाहता था कि आप लोगों को नाइट की जर्नी भी दिखाऊं इनकी, तो देख लो आप जैसा दिख पा रहे हो, अभी तो फुल मतलब एनर्जी डाउन है बिकॉज कम जगह है ना, स्पेस कम है इन लोगों के लिए, तो अभी सोएंगे अभी बिंदास। तो मैं मिलता हूँ जैसे भी मेरा कुछ रहेगा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का, तो अदरवाइज़ यार कंफर्टेबल अभी सो जाएंगे, मैंने उठा दिया अदरवाइज़ सो जाते बाहर में था, तो अभी नाइट का टाइम है तो बाहर आएंगे अदरवाइज़ नहीं आते। सो मैं मिलता हूँ आपसे, ये दो गला ट्रेन लड़ो मत, चलो मिलते हैं। सो ये वाली जर्नी भी स्मूथ ही रही, मतलब स्लीपर क्लास में मेरे को थोड़ा सा RAC में प्रॉब्लम हुआ, बट रतलाम से दाहोद तक एक सीट मिल गई थी, देन वडोदरा से भी एक अलग सीट मिल गई थी, जुगाड़ हो गया था, मतलब सेफली हम लोग आ गए
एंड ज़्यादा इतना इशू नहीं रहा, आराम से ट्रैवल करके, और इवन सोते सोते भी आया हूँ मैं तो आरएससी में, मेरे को बाद में एक टिक सीट मिल गई थी। तो एंड ये जैसे कि सुबह हो गई थी तो ये लोग का इनका टाइम हो गया सोने का, अभी सोए, एंड सुबह हो गई थी तो मैंने इनका खाना वापस रिफिल कर दिया, बिकॉज ये उठते हैं, खाने आते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं। अभी रात के टाइम इनको व्हील वगैरह नहीं मिला, वरना यूजुअली ये लोग ना 6 miles तक रन करते हैं डेली, अराउंड किलोमीटर में जो भी है तुम अपना कैलकुलेट कर लो। सो ये जर्नी थी इजी, मतलब स्लीपर में भी अच्छा इजी जर्नी था अगर आपके पास प्रॉपर एक सीट हो ना। और मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप एटलीस्ट अपर बर्थ लो, जिसमें है ना आप इनको आराम से इनका केज रख दोगे तो आपको भी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपर बर्थ लो, साइड अपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, साइड अपर अच्छी बर्थ होती है, क्योंकि साइड अगर अपर लोगे तो आपको भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। एंड बाय द वे जस्ट रस्ते में देखा बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स रैक्स पड़े थे यहाँ पे, देखो आपको दिख रहे होंगे, तो ये बुलेट ट्रेन के सारे वो हैं जो अपनी बनने वाली है मुंबई अहमदाबाद टू मुंबई। सो या सो दिस इज़ द जर्नी हम कंप्लीट कर रहे हैं। देन उसके बाद में इसका आउटरो मैं नहीं कर पाया, इसलिए वॉइस ओवर में आउटरो दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मतलब कर सकते हो आप ट्रैवल हैमस्टर्स के साथ में, स्लीपर में भी आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीपर में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो कोशिश ये करो कि रात को ट्रैवल करो ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, और अगर दिन का ट्रैवलिंग कर रहे हो तो थर्ड एसी में करो। अब मेरे को टिकट थर्ड एसी में रिटर्न की मिली नहीं, इसकी वजह से मैंने स्लीपर में ली थी, एंड मैं 2 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकता हूँ मेरा कुछ, एंड मैं ज़्यादा जर्नी को एक्सटेंड नहीं कर सकता था बिकॉज मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं जो मुझे फुलफिल करने थे, इसके लिए मैं रात को स्लीपर में आया। और इसके अलावा जर्नी बहुत स्मूथ थी, आपको ये परेशान नहीं करेंगे। कोशिश ये करो कि इनको ज़्यादा पैसेंजर्स से दूर रखो, दिखाओ मत उनको, या फिर वो क्या होता है ना कि कुछ लोग खड़ूस होते हैं कि ये ट्रेन में लेके कैसे जा रहा है, तो कुछ लोगों की को अवॉइड करो एंड अच्छे से ट्रैवल करो, मस्त, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। वी हैव रीच्ड आवर होम, जो जो इन कोको वापस बैक टू देयर होम। एंड ये देखो सोने की प्रिपरेशन रेडी कर रहे हैं दोनों। सो क्या हो गया कोको? बस इनका घर का सेटअप भी करता हूँ मैं, एंड या गाइस इसका एंड अपन करते हैं, बट दिस इज द पार्ट जो हमारे जोजो और कोको ने इंडियन रेलवेज में स्लीपर क्लास और थर्ड एसी क्लास में ट्रैवल किया, और जो जर्नी मैंने आपको दिखाई। सो ये इन दोनों का पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, इन दोनों का टाइम अभी सोने का, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, और वो देखो घुसना चालू भी कर दिया है सोने के लिए। तो बाकी मैं आपसे बात करता हूँ वो सारी बहुत सारी डिटेल्स। हाँ क्या ये देखो वो अपनी उसमें घुस जाएगा, अपनी जगह है, उसको पता चल रही है, हाँ ये मेरी ही मेरी है मेरी है। चलो गाइस मैं मिलता हूँ पट से थोड़ी देर बाद।